आराम से। हाँ ओह नो, किंजा की 6 मिस्ड कॉल्स। तो तुमने देखा क्यों नहीं? वो फोन साइलेंट पे था, मैंने काफी देर से चेक ही नहीं किया। अच्छा ऐसा करो, जल्दी से उसे कॉल करो, पता नहीं वो तुम्हें क्यों कॉल कर रही होगी। नहीं, मैं बाद में कर लूंगा, अभी मूड नहीं है। एक्चुअली भी भूख लग रही है, तो कुछ खाने के लिए ले आओ। ठीक है। कुलसुम, बैग पैक कर दिया? क्या सोच रही हो? यही के इस दुनिया का दस्तूर कितना अजीब है ना आपा। हम माँ बाप जो अपनी बेटियों को एक पल के लिए भी अपने से जुदा नहीं करना चाहते, वो खुद ही खुशी खुशी अपनी बेटियों को दूसरों के हवाले करने की दुआएं करते हैं। ये तो सदियों से चला आ रहा है। इस दुख से बादशाह नहीं बच सके तो हम क्या हैं? तुम्हें हिम्मत करनी पड़ेगी। अब तो तुम्हें एक साथ दो बेटियों को रुखसत करना होगा। नहीं, मैंने तो फैसला कर लिया है कि मलिया के माइयों वाले दिन अपने साकिब का निकाह महनाज के साथ कर दूंगी इंशाल्लाह। मैं तुमसे कुछ कह रही हूं कुलसुम। हेलो। हाँ किंजा, कॉल्स कर रही थी, बताओ क्या बात है। हाँ, लेकिन तुम्हें फोन उठाने की कहाँ तौफीक होती है? यार मैं काम में बिजी था, तुम बोलो क्या बात है, क्यों कॉल कर रही थी। पहले तुम ये बताओ कि कहाँ हो। मैं घर पे हूँ, मैंने कहा उन्हें। अच्छा, कौन से कमरे में? क्या बेहुदा सवाल है यार, अपने रूम में हूँ मैं। चलो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मैं भी अपने ही घर में अपने ही कमरे में, मगर तुम नहीं।